सोने की ईंट पे भी बिठाएगा ना तो छलांग नाले में ही लगाएगा। वो मेंढक लोग कमेंट कर रहे 40 औरतों को भागने की आदत डाली है भाई ने, यू सबका वेट कम किया भाई ने। तो आइए मिलवाते हैं, हमें एक एक पुलिस वाले को टैग करो, आजाद खान को। ऑलराइट, तो क्या हाल है भाई लोग। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि एजाज खान ने हर्ष बेनवाल की फैमिली को कितनी ज्यादा गालियां दी थी, तो तभी से एजाज खान को उनके कॉमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा हेट आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कॉमेंट सेक्शन को ऑफ करना भी शुरू कर दिया है। तो इसी के रिप्लाई में एजाज खान का एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें वो उन लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं जो उनको बुरे कॉमेंट्स कर रहे हैं और कॉमेंट्स में उनको गालियां दे रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। कैथलिक को हेलो, सरदारों को जो बोले सोनिहार, और बाकी के जो हमसे जले वो तुम सब चलो बच्चे लोग। और ये मेंढक लोगों का क्या रे, मेंढक का कुछ नहीं हो सकता रे। ये जो मेंढक होता ना प्रवेश, उसको तू सोने की ईंट पे भी बिठाएगा ना तो छलांग नाले में ही लगाएगा। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो भाई हर्ष बेनवाल की सिस्टर प्रिया बेनवाल काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है एजाज खान पर। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हर्ष बेनवाल और एजाज खान के बीच में ये लफड़ा काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हर्ष बेनवाल ने एजाज खान को अपनी पेरोडी वीडियो में कितना गंदा रोस्ट करा था, तो इसी के रिप्लाई में एजाज खान ने कुछ स्टोरीज पोस्ट की थी जिसमें वो हर्ष बेनवाल की फैमिली को गालियां निकाल रहे थे, उनकी सिस्टर को, उनकी मम्मी को, पापा को, इनफैक्ट पूरी फैमिली को। तो इसी के रिप्लाई में अभी के टाइम हर्ष बेनवाल की सिस्टर प्रिया बेनवाल, उनका एक कमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए दिखती हैं एजाज खान के ऊपर। हुआ ये था कि एजाज खान ने एक पोस्ट करा था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और अगर आप इस पोस्ट के नीचे देखो तो कैप्शन में एजाज खान कुछ ये कह रहे हैं कि टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और सही चीजों में टाइम लगाना चाहिए, ऐसा ही कुछ मोटिवेशनल टाइप का। और बाकी का आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसी के नीचे प्रिया बेनवाल एक कमेंट करती है जो कि आप पढ़ सकते हो। बाकी एक और वायरल चल रहा है जिसमें मिलियन गाबा अपनी स्टोरी पे एजाज खान को रिप्लाई करते हुए कुछ ये बोल रहे हैं। तो जब ये कुछ ज्यादा ही वायरल हुआ तो मैंने सोचा कि इसको एक बार रीचेक कर लेना चाहिए। तो जब मैंने इसको देखा और सर्च करा तो मुझे ऐसा कोई भी कमेंट या कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिला। बेसिकली आप ये एक न्यूज चैनल देख रहे होगे, तो ये बंदा पिछले 3-4 दिन से ऐसी ही फेक न्यूज अपलोड कर रहा है। अभी ऐसा क्यों कर रहा है ये आप भी जानते हो। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि प्रिया बेनवाल और मिलियन गाबा ने ऑफिशियली ऐसा कुछ भी पोस्ट या कमेंट नहीं किया है फिलहाल। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं उसको जरूर पोस्ट करूंगा। तो जब इस कॉन्ट्रोवर्सी की बात चल ही रही है तो हर्ष बेनवाल की वीडियो के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या, हर्ष बेनवाल ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की थी जो कि उनकी पेरोडी वीडियो में से थी। वो अच्छी बोलते बेटा उच्ची। और भाई को ना किसी से फेम खाने की जरूरत ही नहीं है क्या, भाई ने बहुत इज्जत और बहुत फेम कमाया है फिटनेस इंडस्ट्री से। फिटनेस? हाँ, तो भाई ने बहुत सारी ओवरवेट और अनफिट औरतों को फिट किए ले मालूम क्या। क्या आपके जिम विम भी है? नहीं रे, ओपन में वर्कआउट। क्या है ना कि जब भी मैं ऐसे रोड पे निकलता हूँ ना, वैसे सारी औरतें मेरे को देख के भागने लग जाती हैं और अपनी आसपास वाली औरतों को भी मोटिवेट करती है कि भागो भागो। पिछले 2 महीने में ना 40 औरतों को भागने की आदत डाली है मैंने। अरे बेटा, एक तो लंगड़ी थी वो भी मेरे को देख के भागने लग गई। यू सबका वेट कम किया भाई ने। यू मालूम क्या, हमारे एरिया की जितनी भी माताएं बहनें ना भाई की ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हैंड। और ना भाई को तो कुछ इंग्लिश में कुछ करके बोलती वो। हाँ भाई, आपको मालिश बोलती वो? मालिश नहीं बेटा, वो मोलोटोव नहीं, मशरूम बोलती। मशरूम नहीं, नहीं, मालदीव्स, मालदीव्स मसाला बोलती भाई, मसाला नहीं, कुछ और बोलती। ले मल्लू अंटे नहीं, मंडप मंडप मोलेस्टर। और उसी पर एजाज खान ने एक कमेंट करा जिसमें अगेन वो काफी बुरा भला बोल रहे थे और हर्ष बेनवाल की फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो भाई बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली, पुनीत सुपरस्टार जो कि अभी तक एजाज खान के काफी ज्यादा खिलाफ थे, उनकी सपोर्ट में आ गए हैं और एजाज खान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एक रील पोस्ट की जिसमें वो कुछ ये कह रहे थे। मेरे दोस्तों, इस छपरी का पहले वीडियो देखो कि ये किस तरीके से एजाज खान को जो है नाजायज औलाद बोल रहा है। वीडियो देखो। तो आइए मिलवाते हैं आपको नाजायज खान से। ओची लोग नाजायज खान। ओची यू मीन ओजी लोग? हा? नहीं रे मेरे दोस्तों, ये हर्ष बेनवाल और इसकी ये छपरी टीम
अजाज खान को नजायज औलाद बोल रहे हैं, फिर अजाज खान ने इन्हें ट्रोल कर दिया, इन्हें रोज कर दिया तो इनकी फुक गई, और अब ये अजाज खान को धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस वीडियो में एक एक पुलिस वाले को टैग करो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को टैग करो कि पहले हर्ष बेनीवाल और तीनों ने जो है अजाज खान को नजायज औलाद बोला, पहले इन तीनों ने मिलकर गालियां दी और अब ये अजाज खान को धमकी दे रहे हैं। बेटा उकसाया तुम लोगों ने अजाज खान को, अब अजाज खान के पीछे ना पुनीत सुपरस्टार खड़ा है। अब डाल के दिखाओ तुम कोई भी अजाज खान के ऊपर वीडियो, फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि पुलिस की पावर क्या होती है और सरकार की पावर क्या होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में पुलिस से बड़ा कानून कोई नहीं है और सरकार से बड़ा कोई नहीं है। अब करके दिखाओ अजाज खान को, पहले तुम लोग ट्रोल करती हो, पहले तुम लोग उसे नजायज औलाद बोलती हो, फिर अजाज खान को तुम धमकी देते हो कि हम तुम पे केस कर देंगे। अब तुम अजाज खान को दिखा के दिखाओ, मैं अजाज खान के पीछे खड़ा हूं, मैं बोलूंगा अजाज खान के सपोर्ट में। ये वीडियो हिंदुस्तान की एक एक पुलिस तक जाना चाहिए, इस वीडियो में पुलिस वालों को इतना टैग करो ताकि इन तीनों छपरियों की हरकत पता लगे कि इन्होंने अजाज खान की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं। अजाज खान को पहले इन्होंने गालियां दी है, ना कि अजाज खान ने इनको। रिस्पोस्ट को अजाज खान ने भी अपनी स्टोरी पे शेयर किया, तो देखना ये होगा कि अब इस कंट्रोवर्सी में कौन कौन इन्वॉल्व होता है और किसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और क्या कुछ दोनों की तरफ से रिप्लाई देखने को मिलता है, ये तो देखना होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी मेरे पास न्यूज आती है तो उसको भी मैं जरूर अपडेट करूंगा। बाकी इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।